अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है इसमें आपके लिए मैं एक छोटा सा सवाल लेकर आई हूँ। इस सवाल के सही जवाब पर आप लोगों को इनाम भी दिया जाएगा। सबसे पहले सवाल जो है उसके रूल्स आपको बता दूँ कि आपने इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है। पहले तो ये करनी होगी कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, दूसरे वीडियो को लाइक करना होगा, तीसरे वीडियो को आपको कम्प्लीट सुनना होगा ताकि आप उसको समझ कर उसका जवाब सही दे सकें, और उसके बाद लास्ट में जो जवाब आपका होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। कमेंट करने का तरीका ये है कि नीचे वीडियो के आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, उनको स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाएं, सबसे लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स नज़र आ जाएगा, वहाँ पर आप अपना आंसर दे सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपका जितने भी लोग सही जवाब देंगे तमाम लोगों के नामों को लकी ड्रॉ के ज़रिए हम डाल देंगे और उसमें से एक नाम जो सिलेक्ट होगा उसको इनाम दिया जाएगा। पहली बात ये कि आपने ये चीज़ रूल्स फॉलो करने कि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और वीडियो को कंप्लीट देखना, ये इसके रूल्स हैं। दूसरी चीज़ कि आपने कमेंट बॉक्स में जो आप अपना कमेंट लिखेंगे सही जवाब देंगे तो तमाम लोग जिनके जवाब सही होंगे उनको लकी ड्रॉ में शामिल करके किसी एक को विनर करार देकर इनाम दिया जाएगा। अब ये इनाम क्यों, क्योंकि ये इजी होता है आप लोगों तक पहुंचाने में, तो जितने भी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे उनमें सही जवाब वालों को जब हम लकी ड्रॉ में शामिल करेंगे तो जिस भी विनर का नाम आएगा उसको हम बता देंगे और वो अपना नंबर हमें दे देगा और उनके नंबर पर हम बैलेंस शेयर कर देंगे। तो आज मैं ये वीडियो अपनी शेयर कर रही हूँ, लगा रही हूँ अपने चैनल पर, परसों इसी टाइम पर इसका जवाब भी मैं लगा दूँगी और इसके अंदर जो कमेंट करने वाले लोग हैं लकी ड्रॉ के ज़रिए जिसका नाम आएगा वो भी मेंशन कर दूंगी, तो कमेंट बॉक्स में वो शख्स अपना नंबर दे दे और उसके नंबर पे हम बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे। अब लास्ट में बारी आती है आज के सवाल की। तो सवाल ये है कि पुलिस को एक औरत की लाश मिली जिसे ज़िबा करके कत्ल किया गया था। पुलिस ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की लेकिन मालूम नहीं हो सका कि इसका गला किस चीज़ से काटा गया है। उसके आसपास कोई छुरी या कोई आलाय ऐसा कोई हथियार मौजूद नहीं था जिससे ये मालूम हो सके कि गला किस चीज़ से काटा गया है, और न ही ये अंदाज़ा हो रहा था कि इसका कत्ल किसने किया है और क्यों किया है। उसके बाद पुलिस ने उसके हस्बैंड को कॉल की और कहा कि आप जाए वकुआ पे फौरन पहुंच जाइए, और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जब उसका हस्बैंड वहाँ पर पहुँचा तो जो पुलिस ऑफिसर इस तमाम मामले की तहकीक कर रहा था उसने फौरन उसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया और कहा कि यही कातिल है। बाकी लोग बहुत हैरान थे कि ये पुलिस ऑफिसर कैसे कह सकता है कि इसका हस्बैंड ही कातिल है। उसके बाद तहकीक की गई, तमाम केस चला और लास्ट में तमाम सबूत इस तरफ इशारा कर रहे थे कि वाकई उसका हस्बैंड ही कातिल है, और तमाम तहकीक के बाद उसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया और वही कातिल साबित हुआ। तो आपसे सवाल ये है कि जब उस औरत के पास कोई हथियार, कोई आला, कोई चीज़, कोई छुरी मौजूद नहीं थी, जबकि कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिसे ये पता चले कि इसके हस्बैंड ने ही उसका कत्ल किया है, तो उस पुलिस ऑफिसर को कैसे मालूम हुआ कि उसका हस्बैंड कातिल है, और उसकी ये अंदाज़ा, उसकी ये बात सही भी साबित हुई। उसका सिर्फ अंदाज़ा नहीं था बल्कि उसकी बात सही साबित हुई। तमाम तहकीक के बाद ये बात साबित हुई कि उसके हस्बैंड ने ही अपनी बीवी का कत्ल किया था। तो सवाल सिर्फ सिंपल सा ये है कि उस पुलिस ऑफिसर को किस बात से पता लगा कि उसका हस्बैंड ही उसका कातिल है। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। रूल के मुताबिक आप इसे लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और रेड बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप चाहें तो लास्ट में जो लोगो आएगा उसे क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तमाम रूल्स को फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट में अपना आंसर दे दीजिएगा ताकि आप लोगों में से एक को सिलेक्ट करके इनाम दिया जा सके। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। आज के लिए ज़्यादा चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।